बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाई बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखिएगा। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि ये है हमारे शहर की स्टेशन। तो अम्मी वाले जा रहे थे तो मैं भी आज गई थी अम्मी वालों के साथ मिलने, उनको स्टेशन पर छोड़ने गए थे। तो मैंने कहा चलो भाई बहनों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये है हमारे शहर की स्टेशन, माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा स्टेशन है हमारा। हर गाड़ी भी यहाँ पे रुकती है, अच्छा है। तो अम्मी वाले जा रहे थे कराची, भाई वाले भी, सिस्टर वाले सब कराची जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, ये मैंने रिकॉर्ड तो की थी मगर बस हिम्मत नहीं हुई और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो इस वजह से मैंने रख दी। तो मैंने कहा चलो आज अपलोड कर लेते हैं। तो ये स्टेशन पे खड़े हैं और ये हमारे बच्चे और ये मेरी सिस्टर और ये दूसरी सिस्टर अम्मी भाभी वाली और ये है ज़ारा मेरी भांजी, मैडम की छोटी छोटी बेटी ज़ारा माशाल्लाह से। तो ये देखिए बहुत प्यारी बच्ची है, अच्छी बच्ची है, बहुत कहना मानती है। और ये उसके मैडम के बच्चे हैं। तो सब भी साथ में थे, भाई थे माशाल्लाह से, पांचों भाई थे। बस हमारी एक ही बहन नहीं थी जो वो मेरे से छोटी है, उसकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको हो गया मलेरिया दिमाग का, तो मुझे पता नहीं था। तो अम्मी ने रात फ़ोन पे उससे बात की, उसने बताया कि मेरी तबीयत सही नहीं है। बाकी आपको पता है मैडम का तो पता है आपको। और ये है हमारे भाई वाले, ये जा रहे थे कुछ काम से। और ये है आफाक हुसैन मेरा भांजा, मैडम का बेटा। और ये है माशाल्लाह से अजमत। और ये जो है छोटा सा, ये मेरा भतीजा है, उसके साथ में जो उसकी सिस्टर है। और ये है सारा बच्चे, आपको पता है कि बहुत मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे साथ में। और यहाँ पे कोई आया था, मेरे भाई का दोस्त आया था, वो बुला रहा था, तो मेरे भाई उधर चला गया। और ये ज़ारा, ज़ारा तो बहुत खुश हो रही थी। और ये हुरैन, ये मेरी भतीजी है हुरैन माशाल्लाह से। देखे बच्चे तो बहुत खुश हो रहे थे, अम्मी वाले भी साथ में बैठे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि आपको हम बता नहीं सकते। यकीन करें तो मेरी पहले ही तबीयत सही नहीं थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और माशाल्लाह से ये देखिए, ये मेरा भाई है, यह सर नाम है इसका। तो देखिए ये सब हम अम्मी को छोड़ने आए थे क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा था। तो आपको पता है ट्रेन का टाइम थोड़ी देर ट्रेन ही रुकती है, तो हमने कहा जल्द जल्दी से। जैसे ट्रेन आई, यकीन करें 4 बजे का टाइम था ट्रेन का, इतना लेट आई, 5:45 बजे आई। फिर हमने अम्मी वालों को ट्रेन में बिठाया, फिर मैं भी घर चली आई, मेरा बेटा और मैं साथ में। और ये देखें माशाल्लाह से बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, मगर बहुत दिल उदास था। अम्मी जा रही थी, बहुत रोना रहा था मगर बर्दाश्त कर लिया था। यकीन करें रात तो आई तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। मैडम की भी बहुत याद आ रही थी, बस मैंने कहा अम्मी वाली थी वो भी सब चले गए, तो बस अल्लाह रहम करेगा। अभी क्या करें, ज़ाहिर मैडम के बच्चों के पास तो कोई तो रहेगा ना, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। और ये हमारे साथ अटैच भी बहुत थे हमारे साथ। अम्मी काफ़ी टाइम ये छोटे से थे तो पहले मैं इनके साथ रहती थी, फिर मेरे बाद मेरी सिस्टर वाली रहती थी, अम्मी वाली ये बारी बारी आपको पता है जाती थी। मैडम की तबीयत सही नहीं होती तो अम्मी साथ में ज़्यादा रहती थी। और आपको पता है स्कूल बच्चों के खुल गए तो इस वजह से टीचरों को भी आ रही थी। और बेचारी ये देखी, बस कहते हैं अल्लाह मोहताज करे सिर्फ़ अपने आगे, अल्लाह के आगे झुकना चाहिए ना किसी और के पास। बस अल्लाह ये गुरबत भी किसी को ना दे। और ये स्टेशन पे खड़े हैं, सूरज बिल्कुल हमारी तरफ था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी वीडियो बस बना लेती हूँ। और ये देखिए ज़ारा कैसे मस्ती कर रही है। और ये मेरा भाई है छोटा छोटा, आवेश नाम है इसका। तो माशाल्लाह से ये इन दोनों की बहुत बनती है आपस में। और माशाल्लाह से प्यारी बच्ची है, हर किसी के साथ फ्री होती है, कोई भी ये अगर इसे मिल जाए ना तो इसे ऐसे लगता है जैसे ये अपना है। और ये सामान, बस ट्रेन अभी आने वाली थी, बस सामने से नज़र आ रही थी, सामान हमने सारा तैयार करके रख दिया था। तो बस मैंने कहा ट्रेन आए तो जाए,
मेरा भतीजा बहुत ज़्यादा रो रहा था, कह रहा था मैं भी जाऊँ, जो मेरा बड़ा बड़ा भाई है उसका बेटा, वो कह रहा था मैं भी जाऊँ। तो उसका अभी स्कूल हो गया है शुरू, तो हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, तो बस अम्मी लोग वाले भी चले गए, तो हम भी अब जा रहे हैं। ट्रेन वापस कराची रवाना हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और हमें दुआ में याद ज़रूर रखना। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी बहन भाइयों को भी सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।